Hello everyone, this is my YouTube channel. My name is Hashim Ahmed Hakim. I'm here to share some of my hard work with you guys. If you like it, kindly like and subscribe. Thank you. शुरू में जब मैं छोटा था तो माँ बाप से मुझे मतलब ही नहीं था. मैं दादाजी के पास रहता था. दादाजी ने पाल पोसता था. जहाँ भी जाता था दादा वहाँ अपने साथ ले जाता था. मम्मी पापा आते थे खेती के काम पे. सुबह के टाइम में खेती का जो काम था वो निमट जाता था. फिर शाम में पापा मम्मी घर वापस आ जाते थे खाना पीना बना के वहाँ पे. और पापा जब काम करके आते थे थोड़ा उसका जब दिमाग ख़राब हो जाता था गर्म हो जाता था गालियाँ गलौज करना शुरू कर देता था. फिर मैं ये सब देख के घर का पूरा स्थिति मैं अपना बर्दाश्त नहीं कर सका. फिर मैं किसी भाई का सहारा लिया. भाई अगर कहीं जाना है तो मुझे चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो मुझे भी ले चलिए यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ. कहता चलने का जाना है तो चलो. मैं माँ बाप को भी नहीं बताया. मैं ऐसे एक साथी के साथ भाग के वहाँ से चंडीगढ़ चला गया. सोचते हैं कि जिनको और दया आने के चक्कर में कहते हैं यार तुम एक हाथ से क्यों रिक्शा चलाते हो ये काफ़ी मेहनत का काम है. तो मैं एक हाथ से दूसरा काम कुछ कर ही नहीं सकता हूँ एक रिक्शा के सिवा. इसलिए मैं रिक्शा ही चलाता हूँ. फल बेचूँगा उसमें भी कमेटी वाले पुलिस वाले परेशान करते हैं. सप्ताह में भाई 500 लगेंगे महीने में 5000 लगेंगे जब भी तुम्हारी दुकान यहाँ पे लगेगी. नहीं तो 28 को ना तो कोई मिट्टी वाली गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी. एग्जाम में भी मैडम बैठा भाई साहब आपके एक ही हाथ हैं. मैं बोला हाँ मैडम जी. किस तरह चलाते हो? मैं बोला कि आपको तो मंजिल पे चला के ले आया और किस तरह चलाऊँ? तो एक ही हाथ से चलाते हो? हाँ एक ही हाथ है ये तो मैं चलाऊँगा कहाँ से दो हाथ से. तो मैडम ने बहुत शुक्रिया अदा किया. बोला कोई बात नहीं भैया अच्छी मेहनत करो आगे कामयाबी मिलेगी. अगर हाथ होता तो सर मैं ये सोचा था भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान ना कर सके. दो हाथ पैर होने के बाद हर इंसान हर काम कर सकता है. अगर इंसान का आँख ना हो तो दुनिया नहीं देख सकती. हाथ पैर खराब हो जाए तो सही से चल नहीं पाता है सही तरह से काम नहीं कर पाता है. हर चीज़ का मोहताज हो जाता है लाचार हो जाता है. जो भी दिल में तमन्ना रहता है वो अधूरा ही रह जाता है. हमारी जो भी तमन्ना थी मैं सोचा था कि मैं एक हाथ से क्या कर पाऊँगा कुछ नहीं कर पाऊँगा. लेकिन जब आगे बढ़ा तो मैं जब रिक्शा चलाना शुरू किया तो मैं अपनी अच्छी परवरिश अपने बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ अभी तक. और इस रिक्शे से रिक्शा ही चला रहा हूँ. और अब लड़की अभी शादी के लिए हो गई है. अब उसके लिए सोचता हूँ कि इनकी शादी किस तरह हो जाए. थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है इसलिए मैं उसका रिश्ता कहीं अभी देखना नहीं चाहता हूँ. जब पैसा इकट्ठा जोड़ लूँगा फिर उसकी शादी कर लूँगा. बच्चे भी पढ़ रही है और देहात इलाके की पढ़ाई जो है थोड़ा नॉर्मल में है क्योंकि उतना पैसा नहीं है हमारे पास जो उसको कॉन्वेंट में डाल दूँ. अच्छी पढ़ाई हो गरीब की पढ़ाई तो गरीब जैसा होता है और अमीर की पढ़ाई तो अमीर जैसा होता है. तो जितना होता है हमारे उतना मैं तो करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बच्चे की नसीब भाग जाने कैसे क्या होगा नहीं. ई रिक्शा वाले जैसे कि अब उसने 10 रुपये सवारी ले जाते हैं. अब यहाँ से मान लो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाएगा तो उसका रेट है वही 10 रुपये. अब पैदल रिक्शा अपने मेहनत करके अपने शरीरों से चला के लेके जाता है. वो ई रिक्शा वाले उसने 10 रुपये में लेके चला जाता है. इसलिए होता है कि उसमें उसको इसलिए प्रॉफिट होता है कि 4-5 सवारी 6 सवारी हो जाता है वो लेके चला जाता है. सोचता है कि भाई चलो अब रिक्शे वाले को 30 रुपये दूंगा मैं 10 रुपये में क्यों ना चला जाऊँ जो मेरा बचत होगा. इसलिए रिक्शे वाले की कमाई कम हो गई है. ऐसा बहुत सवारी हैं आते हैं सीधा ऊपर भी देखता रहता हूँ. देखने के बाद वहीं से बोलता हाँ भाई चलो. उस टाइम खुशी हो जाता है कि भाई चलो हमारे पैसा उनकी है सवारी चलो इनको जल्दी छोड़ के आता हूँ.
Thank you for watching the video, guys. I hope you enjoyed the video. I want to thank my friend Farhan, who helped me to make this video. Kindly like, share, and subscribe our YouTube channel so that we can make such videos for you. Thank you.